बाइक गई, इवन बुलेट भी गई है, मैं ये भी बता सकता हूँ। अच्छी खासी रात हो चुकी है, यहाँ पे एमजी पायलट ऑन हो गया है। शार्प टर्न पे तो मतलब किसी भी स्पीड पे हो जा रहा है। क्या आप स्टीयरिंग पकड़ी, आराम से बैठो, मेरे दोनों हाथ ये रे, पैर ये रे, फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। फिर नैरो रोड है जिससे आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं बहुत से लोग, बहुत ही अच्छी खासी तरीके से आपको परेशान करते हैं। और मुझे अभी भी ये डिस्ट्रैक्ट, फॉग लैंप ऑन ऑफ करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हमारे पास है एमजी हेक्टर। अब एमजी हेक्टर, रात हो रही है, रात में मेरे पास क्या कर रही है ये? अब रात में भैया ये गाड़ी आज हम चला के देखेंगे कि रात में इसकी जो हेडलैम्प है उसकी कैसी विजिबिलिटी है। और इस गाड़ी के अंदर बेसिकली अपना एडास आता है, तो एडास भी टेस्ट करने वाले कि रात में एडास का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। दिन में तो मैंने करके दिखाया हुआ है आपको। और अगर आपको जानना है कि सेल्टोस का एडास कैसे काम करता है, आई बटन पे देख लेना। होंडा एलिवेट का कैसे एडास काम करता है, वो भी आप आई बटन पे देख लेना। आज एमजी हेक्टर है तो इसका भी एडास आज चेक कर लेंगे अच्छी तरह। और सबसे बड़ी बात बताऊं, रात का समय है और मुझे डाउट है कि रात में एडास काम करता है नहीं करता है, तो आपके साथ साथ आज अपना भी डाउट क्लियर कर लूंगा। बाकी विजिबिलिटी वगैरह चेक करेंगे कि अंदर से कैसी है, क्या वर्थ करती है कि आप इस गाड़ी को लेना चाहिए या नहीं, वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गाइस ज्यादा समय खराब ना करते हो, आइए ड्राइव करते हैं इस डी सेगमेंट की एसयूवी को और करते हैं इसको एक्सपीरियंस, लाइट्स वगैरह सारी चीज एक्सपीरियंस करते हैं। तो सीधा बैठते हैं ड्राइवर सीट पे और चलते हैं, इसको करते हैं ड्राइव। उससे पहले चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करना क्योंकि ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। तो बैठते हैं सीधा सीट पर और करते हैं गाड़ी स्टार्ट। ओके, तो ड्राइवर सीट पे आ चुका हूं, आप देख सकते हो अच्छी खासी रात हो चुकी है अपनी। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, गाड़ी को लगाते हैं डी पे। डी पे लगाने से पहले कैमरे की विजिबिलिटी देख सकते हो, काफी अच्छी विजिबिलिटी अपने को मिलने वाली है। यहाँ पर जैसे साइड से गाड़ी निकल गई तो बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इवन गाड़ी भी बता सकता हूँ यहाँ देख के कि टाटा हैरियर जा रही है, ये इसी का कॉम्पिटिशन है बाय द वे। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गाड़ी के अंदर लाइट्स की, तो लाइट कंप्लीट एलईडी मिलती है और एलईडी में देख सकते हो मुझे लो बीम हाई बीम दोनों मिलती है यहाँ पर। तो सीधा गाड़ी को डालते हैं डी पर और करते हैं गाड़ी को ड्राइव, लेट्स गो गाइस। अच्छा एक चीज है, जैसे ही मैं गाड़ी स्टीयरिंग टर्न करता हूं तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली टर्न हो जाते हैं। और अब जैसे ये देख सकते हो, सबसे पहले ना हर चीज से पहले गाड़ी का एडास चेक करते हैं रात के अंदर कि सही काम करता है नहीं करता, क्योंकि यार जो लेन है ना रात में नहीं दिखती। तो सबसे पहले एडास को लगा लेते हैं, यहाँ पे एमजी पायलट ऑन हो गया है, एडास हमने लगा लिया है। और रात में भी आप देख सकते हो काफी अच्छे से ये डिटेक्ट कर रहा है और स्टीयरिंग को अपना मूव कर रहा है। मैंने स्पीड कर दी है 50, 45, हाई बीम कर दी है और ये देख सकते हो शार्प टर्न पे तो खैर मुझे खुद ही टर्न करना होगा। और जैसे मैंने छोड़ दिया है तो अपने आप ही ये कंट्रोल कर लेगा। सबसे अच्छी बात क्या है यार, इसका एडास ना मतलब किसी भी स्पीड पे हो जा रहा है, 10 पे करा था 10 पे लग गया, तो ये काफी अच्छी चीज है। स्पीड को दोबारा मेंटेन करते हैं और मुझे बोल रहा है कि आप स्टीयरिंग पकड़िए। जैसे अब यहां पर आप देख सकते हो बीच बीच में ना ये प्रॉपर लाइंस है लेकिन उनको डिडक्ट नहीं कर रहा, अभी हट गई थी लेकिन अब अच्छे से डिडक्ट कर रहा है, ये देख सकते हो। मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे दोनों हाथ ये रे, पैर ये रे, ठीक है जी। तो रात के अंदर एडास कैसा काम करता है, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे शार्प टर्न है, एक हद तक लेता है फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। और ये काफी नैरो रोड है जिस पर मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो आप देख ही सकते हो और अच्छे से डिटेक्ट कर रहा है। अब सामने अपने ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लिए इसने और जैसे एडास को लगाते हैं यहां पर एमआईडी के अंदर, तो यहां ये देख सकते हो सामने बाइक है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ब्रेक ले लिए। और जैसे बाइक हटी सामने से तो स्पीड को अपने आप ही मेंटेन कर लिया। और सीवीटी है, सबसे बढ़िया बात है ना, कोई जर्की नहीं है, बहुत प्यार से बहुत स्मूथली ये मतलब आराम से पिकअप लेता है, पता भी नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे।
बाकी अब बात करते हैं, खैर एडास तो पूरा हो गया, एडास ठीक काम करता है रात में, बहुत सी जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बात मतलब एक दो जगह लेन को मतलब भूल ही जाता है भी या नहीं। तो अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो जैसे मैं रात में बैठा हूँ तो मुझे रात में काफी अच्छी मतलब हाइट मिल रही है, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं IRVM भी यूज कर रहा हूँ, तो आपका ऑटो डिमिंग IRVM है और मुझे काफी अच्छा मतलब इसके अंदर दिख रहा है पीछे जो व्हीकल आ रहा है मेरे, तो वो भी चीज अच्छी है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ शार्प टर्म में जैसे ए पिलर की, तो थोड़ा बहुत मतलब है डिस्ट्रैक्टिंग है, काफी बड़ा है, तो ऑब्वियसली यार अगर पतला कर देंगे तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आप झेलोगे लेकिन सेफ्टी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं झेल पाओगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। अब रात में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं बहुत से लोग, तो उनकी ना रोशनी काफी अच्छे से आंखों में लगती है और मतलब बहुत ही अच्छी खासी तरीके से आपको परेशान करती है, लेकिन इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है मैंने ब्राइट किया हुआ है और आप देख सकते हो ब्लू लाइट है, मतलब अच्छी खासी ब्लैक लाइट भी नहीं की हुई और मुझे अभी भी ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। मैं इसको जैसे ब्लैक कर दूंगा तो ये फिर ऐसा हो जाता है कि डैशबोर्ड में मतलब खो सा जाता है, तो कोई किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं देने वाला ये, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसका। बाकी लाइट्स की बात करते हैं तो LED है, ये आप देख सकते हो, मैंने आगे हाई बीम करता हूँ लो बीम करता हूँ तो लाइट्स की विजिबिलिटी अच्छी है, और इस रोड के ऊपर ये देख लो आप, मैंने पूरी लाइट्स ही बंद कर दी हैं, तो कोई लाइट नहीं है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। फॉग लैम्प की बात करते हैं, अभी फॉग लैम्प मैंने नहीं जलाए हुए, और जैसे ही फॉग लैम्प जलाता हूँ आपको क्लियरली फर्क दिखने वाला है, ये आप देखो बहुत ही अच्छा खासा फर्क दिखता है जैसे फॉग लैम्प ऑन ऑफ करता हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आराम से बैठा हूँ, गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक ले ली है, सामने गाड़ी है ऑटोमेटिकली ब्रेक ले ली है, और जैसी गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड को डिटेक्ट कर रहा है ये आप देखो काफी अच्छे से, और मैं थोड़ा सा टर्न लूंगा तो ये आप देख सकते हो, मतलब इतने ट्रैफिक के अंदर भी अच्छी खासी तरीके से एडाज ने काम किया, तो ये चीज है। तो गाइज एक चीज और बता दूं, अगर आप इस गाड़ी का ना ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो, कंप्लीट सस्पेंशन कैसे हैं या गाड़ी का CVT बैंड कैसा है, मतलब रबड़ बैंड इफेक्ट, तो वो सब चीजें आप देख सकते हो, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है आई बटन पे क्लिक करके, और मैंने 5 ऐसे रीजन पर भी वीडियो बनाई हुई है जिससे आप इस गाड़ी को बाय करें या नहीं, उसको भी डिसीजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। गाइज एक और चीज, जैसे ही मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो आप ये देखो भाई क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल है, आप देख सकते हो कितना क्लियर है, मेरे पीछे से स्विफ्ट गई, बाइक गई, इवन बुलेट भी गई है, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखकर, और यहाँ पर SAI लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो क्लियरिटी का लेवल इतनी रात के अंदर MG दे सकता है, अच्छा खासा आपको क्लियरिटी दी हुई है, इस चीज के लिए तो मैं नो डाउट MG को 10 out of 10 देना चाहूंगा। बाकी एक चीज और बता देता हूं आपको, ये देखो एम्बियंट लाइट बहुत ही प्रीमियम है, काफी अच्छी क्वालिटी है इन एम्बियंट लाइट की, और ये चेंज होती रहती है, अभी येल्लो थी अभी ब्लू हो गई, अभी आप देख सकते हो ये अगेन येल्लो हो गई, ऑरेंज हो गई, अब तो ये सब इसके अंदर लाइट इफेक्ट आते, पर्पल हो गई है, तो ये सारे लाइट इफेक्ट इसके अंदर आते रहते हैं, काफी अच्छा लुक देती है गाड़ी को। सो गाइज ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गाइज।